बहुत ही अच्छे हैं। हाँ कितना खुश है, कहीं देखो ऐसे इतरा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है ये कभी नहीं निकालता अपनी कोई भी चीज। पार्वती पता है किचन के बाहर क्यों बैठा है यहाँ पे? क्यों बैठा है? अंडा के लिए। हाँ ये अंडे के इंतजार में ऐसे बैठा है जैसे देवदास पारों के इंतजार में है ना सिम्बा। सिम्बा को अंडे दे दो उसका काम बन जाएगा। अभी थोड़ी मिलने वाला है इसको अंडा। हाँ अभी तो टाइम है, अब जैसे ही तुम छीलना शुरू करोगे वहीं आके खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बन रही है मेरी हल्दी वाली चाय। आज बहुत दिन हो गए हल्दी वाली चाय पिए हुए है ना, कितने बहुत दिनों बाद पी रही हूँ। पार्वती मुझे बना के नहीं देती हल्दी वाली चाय। हाँ पार्वती अब बोलते नहीं ना तो हम कैसे बना के देगा? तुम्हें को रोज बस बना के दे दिया था। बस आप बोल दिए डेली बना के दे रहे। पार्वती भी परेशान थी ना, अभी पार्वती के दिमाग से सब कुछ निकला हुआ था। ये तो है इतना परेशान थे, अब क्या करते, दौड़ भाग में डॉक्टर का रूम पे, बच्चे नहीं सही थे तो क्या करते, सब भूल गए। अभी भी बोलता है कभी कहीं दर्द हो रहा है मम्मी, हमको दर्द हो रहा है। अभी भी इसको पेट दर्द है? अब तो 4-5 दिन हो गए। फिर भी खिचड़ी सिवा कुछ नहीं देते खाने के, खाने के लिए रात भी बोला था कल हमको चिकन लाके दो, गोलगप्पा लाके दो। वो पता है हाँ मन करता है ना इतने दिन से खा के। हमसे बोला, हम बोले नहीं तो पापा से बोला, तो रात बोलता हम रोटी सब्जी खाएंगे, चावल दाल खाएंगे, ये सब खाना मांगते रहता है। लेकिन अभी भी पूरा अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है। आज यहाँ पे फिर बारिश हुई है, बट भाई बारिश होती रहे, क्योंकि बारिश नहीं होती ना तो ये तो बिल्कुल रेगिस्तान जैसा बन जाता है। इतनी गर्मी थी अभी 3-4 दिनों से, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो उसमें हल्दी, अदरक और नींबू और दालचीनी पाउडर है, आप भी पी के दे सकते हो, ये बहुत टेस्टी भी और हेल्दी भी है। और यहाँ पे बुलबुल बैठ गई है मेरे पास आके। क्या हुआ बुलबुल, क्या हुआ, आपने खाना खा लिया? आपको टेस्टी टेस्टी खाना मिल गया? मैं सोचूं इसको ना गंजा करा दूं क्योंकि इसको इतनी गर्मी लगती है। बट ऑल्सो पता है ये लॉन्ग कोटेड डॉग्स को शेव नहीं करना चाहिए कंप्लीट शेव, क्योंकि इनकी स्किन या किसी भी डॉग की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है एंड इनका फर ही इनकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंड देयर फर वर्क्स एज एन इंसुलेटर, ये इनको गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म रखता है। तो जिस जिसको ये बात नहीं पता थी, और लोग अपने डॉग्स को शेव कर देते हैं पूरी तरह से गर्मियों के टाइम पे स्पेशली, वो ऐसा ना किया करें क्योंकि इनका फर इनको गर्म धूप से भी बचाता है, गर्मी से भी बचाता है, बिकॉज द स्किन इज रियली सॉफ्ट। और उसको वहाँ कोई पत्ता मिल गया जो उसकी सांस की वजह से उड़ भी रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा, उसको वही पकड़ना है। क्या हुआ, नहीं पकड़ना है, छींची है वो बुलबुल। सिम्बा महाराज भी आ गए, चलो सिम्बा आ जा। ओ बुलबुल गिर जाएगी मेरी चाय, आ जाओ कर लो अपना मेडिटेशन, कर ले नाक ना बाहर निकाल के, आ जा बुलबुल, क्यों उसको तंग कर रही है, आ जा सिम्बा कर ले नाक बाहर निकाल के अपनी मेडिटेशन कर ले सुबह सुबह की, आज तो मौसम भी अच्छा है। 2000 years later. So, मैं आई हूँ अभी मम्मी के घर थोड़ा ऐसे ही दिन में टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी घर पे। और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं इतनी सजी धजी क्यों। मैं नहा धो के से फुल ड्रेसअप हो गई हूँ क्योंकि एक नया सूट आया था, तो मेरा भी एकदम मन कर गया कि फुल एकदम ना सज जाती हूँ। तो मैंने ये कान के इयररिंग्स पहने हैं बहुत अच्छे और ये बैंगल्स पहनी है, तो बस ऐसे ही मन कर रहा था कि चलो आज ड्रेसअप हुआ जाए और मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। पता नहीं अभी ये कैमरे में कितना आ पाएगा क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं जो दूर से कैमरा पकड़ सके, तो देखना। वैसे ये कॉटन पे लखनवी है अगर आपको दिख रहा हो तो, ये देखो
कैसा लग रहा है ये? और ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बिल्कुल कॉटन पे एंड परफेक्ट फॉर समर्स। तो मैंने ये मंगाया है हयात लखनवी से, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। तो ऑल यू ब्यूटीफुल लेडीज़ कैन परचेज दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चिकनकारी सेट फ्रॉम देम। एंड उनके पास और भी बहुत सारे अच्छे डिज़ाइन हैं, दे हैव डिफरेंट फैब्रिक ऑल्सो, दे हैव जॉर्जेट, दे हैव मोडाल सिल्क, कॉटन एंड अदर थिंग्स। तो बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं, गो चेक देम आउट। एंड रेट्स भी उनके बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं। दिस इज द फुल लुक एंड बहुत अच्छा चिकनकारी वर्क है पूरे कुर्ते पे एंड इवन ऑन द सलवार। एंड इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, ये मेरा पर्सनली थोड़ा फेवरेट कलर है इसलिए मैंने ये मंगाया था। एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो जल्दी जल्दी जाके अपने पीसेज ऑर्डर कर लो, आई एम श्योर यू गोना लाइक इट। सो मैं ना घर आई हूँ दाल चावल खाने, मम्मी ने बोला दाल चावल बनाए हैं जल्दी से आ जा। तो आप बोलोगे यार दाल चावल में इतना स्पेशल क्या है, पहली बात तो भाई दाल चावल इज़ लव, दूसरी बात ये चावल आए हैं रीवा से, रीवा एक शहर है एमपी में, तो मेरे मामा ने ये चावल भेजे हैं। और इन चावल का ना भाई अलग ही टेस्ट होता है, बिल्कुल अलग टेस्ट। मुझे बचपन से याद है कि मेरे को ऐसे चावल का टेस्ट और कहीं नहीं मिला। यहाँ पे आ गया मेरा खाना, आज सिर्फ दाल चावल नहीं, मेरी फेवरेट बैगन का भरता भी, और ये कटल का अचार, और ये मम्मी ने डाल दिया घी, मज़ेदार, थैंक यू। मैं जल्दी जल्दी ये खाना खा लेती हूँ, भाई इससे ज़्यादा सोलफुल खाना ना नहीं हो सकता, हम इंडियंस के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले सब दाल चावल खा के देख लेती हूँ ना, बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा चावल कहीं नहीं मिलता, पता नहीं क्या चावल है ये, इसमें ना सब कुछ टेस्टी हो जाती है, मतलब सब्जी भी मिला के ना ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। अचार भी बहुत टेस्टी है, मामा को थैंक यू कर देती हूँ, थैंक यू मामा, बहुत मज़ा आया दाल चावल खा के बहुत दिनों बाद, मज़ा आया। गाइस मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, और ये ना पूरा वाटर बॉडी है यहाँ पे घर पे नीचे, यहाँ पे रात में फाउंटेन चलते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी म्यूजिक के साथ, म्यूजिकल फाउंटेन। अभी जाली लगा दी ना मम्मी ने पिजन नेट, इसलिए अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रही, बड़ा ये देखो पूरा व्यू इस बालकनी से, और ये देखो ये पूरी वाटर बॉडी है, बहुत बड़ी, ये पूरी बिल्डिंग ही इस वाटर बॉडी पे बनी हुई है। चलो ठीक है, मामा को बोल दूंगी, बाय बाय बाय, मिलती हूँ रात में, अच्छा चुन्नी तो दे दो मेरी, थैंक यू, बाय बाय। हाँ इतना अच्छा हो रहा है ना वेदर इस समय, मतलब अभी तो दाल चावल खाए हैं पर भुट्टा खाने का मन कर रहा है गर्म गर्म, यहाँ पे आस पास तो मिलता नहीं है, और अभी घर पहुँचना ज़्यादा जरूरी है। दिखाती हूँ आपको वेदर कैसा हो रहा है, क्या सेक्सी हो रहा है ना वेदर बिल्कुल। चलो पहुँच गए घर, अब आएंगे मज़े, अब देखती हूँ घर पे सिम्बा बिल्कुल क्या कर रहे हैं। अली बिली बच्ची दोनों ठंडा ठंडा एसी में ठंडा ठंडा बैठे थे, अली वाह अली वाह, कैसे खुश हो जाते हैं। एक घंटे के लिए मैं बाहर गई थी, इतना खुश हो गए हैं बाद में मुझे देख के, और ये मिला बच्चा छूता छूता बैठे जा रहे, इनको मम्मी की स्मेल आ रही होगी ना, नानी नहीं आई है, नानी नहीं आई है, चलिए मम्मा आई है अभी, चलो ये क्लिप लगा देती हूँ मैं तेरे, क्लिप लगा दी वाली, बहुत सुंदर लगता है मेरा बेबी, दे इधर, बुलबुल तो निकाल देती है सिम्बा निकालता भी नहीं है, कितने सुंदर लग रहा है, आली स्माइल भी कर रहा है, सुंदर लग रहा है। पता है गाइस इसको ना कुछ भी पहनाओ या लगाओ ना ये बहुत खुश हो जाता है, स्माइल करने लगता है, इसको लगता है कि बहुत सुंदर लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल सिम्बा, इतना सुंदर बेबी तो किसी का है ही नहीं,
देख रहे हो कितना खुश हो रहा है, बहुत खुश हो जाता है ये। इसको आप चश्मा लगा दो, कोई नई टी शर्ट पहना दो, अगर मैं इसको अपना भी टॉप पहना दूँ ना तो ये यही सोचता है कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अरे सुंदर तो लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। इतना प्यारा डॉगी तो हमने देखा नहीं। ये देखो ये ना जीभ निकाल के ना बस हंस रहा है, खुश हो रहा है, इतना खुश, इतना खुश। अब इस समय ना इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, मिलिंद सुमन समझ रहा है अपने आप को, इतना खुश हो गया। लड़के वाली क्लिप लगा के भी इसको मैं बिंदी लगा दूँ, इतना हैप्पी हो जाता है ये। देखो प्यारा तो लगता है बहुत, कितना प्यारा लग रहा है मेरा सोना, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत प्यारे, बिल्कुल मेरा शाहरुख खान लग रहा है ये। हाँ कितना खुश है, देखो ऐसे इतरा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है ये कभी नहीं निकालता अपनी कोई भी चीज़, ऐसे उसको ये क्लिप लगाती है ना, नहीं निकालेगा, लगाए रखेगा। जैसे बुलबुल तो तुरंत निकाल देती है ऐसे से हाथ मार मार के, इसको लगता है कि ये इसकी सजने संवरने की चीज़ है ना, तो हो सकता है ये ऐसे पहन वहन के घूमी करने भी जाए, क्योंकि अक्सर मम्मी इसको उसे घूमी कराने ले जाती है ऐसे सजा के अपनी छोटे बेबी को। तो ये ना मेरा फर्स्ट डॉग है, मेरा फर्स्ट डॉग, और मुझे बचपन से डॉग ही चाहिए था एक, हाँ। तो ये मेरा बेबी बन गया, ये एकदम इतने राइट टाइम पे आया ना मेरे पास, जब मुझे शायद इसी की ज़रूरत थी और यही मुझे संभाल सकता था, ऐसे टाइम पे आया ये मेरे पास। तो जो भी भगवान करते हैं ना वो बहुत अच्छा करते हैं आपके लिए, आप हमेशा सोचना कि जो राइट टाइम है ना उसी पे सब कुछ होगा, और जो भगवान का प्लान है ना वो आपके प्लान से कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। ये मेरे भगवान जी के भेजे हुए हैं, हाय चुंदल चुंदल पारा पारा, तो खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं है। आज आइसक्रीम खाने जाओगे आप, एक महीने का हो गया हमारा, एक महीने से हमने आइसक्रीम भी नहीं खाई, कहाँ जाओगे, घर पे मंगा के दूँ कि मैकडॉनल्ड्स जाओगे, हाँ क्या करोगे, कहाँ जाओगे। ये सोच रहा है क्लिप लगाती है, आज तो मम्मी मैकडॉनल्ड्स ही लेके जाएगी। हाँ कभी गए थे मैकडॉनल्ड्स पहले, तो लास्ट मंथ ना मैं इसको पहली बार मैकडॉनल्ड्स लेके गई थी, इसको और बुलबुल को आइसक्रीम खिलाने। पर प्रॉब्लम ये है कि मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम शुगर फ्री नहीं है, और चिप्पी को शुगर फ्री आइसक्रीम मिलेगी, हीरा क्यूटी। गाइस देख लो इसका फुल लुक। प्यारा बच्चा। सो गाइस अभी एक लाइव सेशन खत्म किया है, करीब 1.5 घंटे है लाइव, और बहुत मजे किए हमने, मतलब बहुत सारी बातें। तो अगर आप भी लाइव में जुड़ना चाहो मेरे साथ, तो मैं रोज़ रात को 9 बजे लाइव आती हूँ, तो आप लोग आ सकते हो, यू कैन जॉइन एंड वी कैन इंटरैक्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि लाइव में जो इंटरैक्शन होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार होता है, एंड आई ऑल्सो गेट टू नो माई पीपल। सो जो भी ये वीडियो देख रहा है आप सब मुझे लाइव पे ज्वाइन कर सकते हो रोज़ रात को 9 बजे, ऐसे ही गप्पे शप्पे मारते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अब लाइव के बाद प्लान ये था कि सिम्बा बुलबुल को बाहर ले जाके मैं आइसक्रीम खिलाती, आइसक्रीम तो मैं घर पे मंगवाने वाली थी शुगर फ्री ब्लिंकिट से, और उनको एक कार राइड पे ले जाती, और जो घर पे मंगाई हुई आइसक्रीम थी वो मैं उन्हें कार में खिलाती, तो उनको एक बहुत अच्छी आउटिंग लगती। पर पूरा प्लान चौपट हो गया क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश, और यहाँ पे जब बारिश होती है बहुत ज़ोर से तो बंद हो जाता है ब्लिंकिट, तो ना तो आइसक्रीम आ पाई है ना हम बाहर जा पा रहे हैं। तो फिर अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनको आइसक्रीम कल खिला पाऊँ। एंड इसी के साथ मैं करती हूँ उस व्लॉग का एंड। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कल मुझे लाइव मिलना 9 बजे ओके, रात में। सो तब तक के लिए बाय।